एक ऐसी फोर्स जो सबके ऊपर काबू करना चाहती है, एक ऐसी फोर्स जिसको तुम नटशेल में, जिसको तुम बेस पे, कोर पे कह सकते हो, वो है ईगो। वो एक ऐसी फोर्स हो सकती है कि किसी के ऊपर तुम दादागिरी करना चाहते हो, एक ऐसी फोर्स हो सकती है जिसको तुम अपने नीचे दबाना चाहते हो एहसान करके उसके ऊपर। ठीक है, लोग एहसान क्यों करते हैं? जिससे कि दूसरों को दबा सके। मैंने भाई तेरे ऊपर कर दिया एहसान, अब तुम जो हो हमारे बन गए हो भक्त, अब तू मेरे को कुछ नहीं बोल सकता, जिंदगी भर मेरा एहसान लेके अब तू चल, यही है बोझ तेरे ऊपर, यही है मेरी विल टू पावर, यही है मेरी पावर कि मैं तेरे को दबा रहा हूँ। तो भाई बहुत टाइम बाद आज हमारी हुई है मुलाकात, 11-12 दिन बाद, और मैं जानता हूँ कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है, और उसका एक और रीजन है कि देखो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी भी ढूंढनी पड़ती है। यहाँ पे रोज लेक्चर डालना ठीक है, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी कहीं और ढूंढनी पड़ी मेरे को। तो जब टाइम मिलेगा मैं यहाँ पे लेक्चर डालने की पूरी कोशिश करूँगा और आपके समक्ष लेक्चर रखने की कोशिश करेंगे। तो पहले लेक्चर में हम बात कर रहे थे विल टू पावर की, और कैसे विल टू पावर इन्फ्लुएंस हुआ आर्थर शोपेनहावर से, फ्रेडरिक नीचे इन जनरल कैसे इन्फ्लुएंस हुए आर्थर शोपेनहावर से, आर्थर शोपेनहावर की द वर्ल्ड एज विलेन रिप्रेजेंटेशन, क्या उनका वो जो वर्क था क्या कह रहा था। और अब हम लेंगे लास्ट लेक्चर, जो नहीं देखा देख लो पहला लेक्चर, इसमें लेंगे कि भाई क्या क्रोनोलॉजी थी, क्या साइकोलॉजिकल क्रोनोलॉजी थी इसकी विल टू पावर की। क्योंकि विल टू पावर कोई भी फिलोसोफर, चाहे वो एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर हो, हार्डकोर मेटाफिजिकल या क्लासिकल फिलोसोफर हो, वो कभी भी अपने कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि भाई 22-23 साल का, 24 साल का है लौंडा और शुरू हो गया कि भाई ये है विल टू पावर, ये है मेरा उबरमेंच, भाई ये है मेरा फॉर्म, ये है मेरे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ऐसा नहीं होता, विद टाइम वो इवॉल्व करता है। जैसे हमने इमैनुअल कांट की फिलॉसफी पढ़ी कि बहुत फिजिक्स से इन्फ्लुएंस है, फिर धीरे धीरे वो अपनी मेटाफिजिक्स की तरफ जैसे जैसे जाते गए, जैसे जैसे वो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहाँ क्या है, फ्रेडरिक नीचा ने जो अपना काम शुरू किया उसके अंदर इसकी झलक आनी शुरू हुई, जैसे कि दो किताबें, मतलब किताबें क्या होता है, काम ह्यूमन ऑल टू ह्यूमन, ह्यूमन ऑल टू ह्यूमन, और डे ब्रेक उनका एक ऐसा काम है जो ज्यादा लोगों ने सुना नहीं है, बट ये एक कॉन्सेप्ट है कि भाई एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ ऊपर नीचे हो गया, मोरालिटी ऊपर नीचे हो गई, मेटाफिजिक्स ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि फ्रेडरिक नीचे वाज नॉट अ वेरी एविड लवर ऑफ मेटाफिजिक्स, क्योंकि फ्रेडरिक नीचे नहीं पसंद करते थे मेटाफिजिक्स को, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म देते थे। तो अगर भाई देखो तुमको फ्रेडरिक नीचे की डायोनाइसियन मूवमेंट के तरफ जाना है और फ्रेडरिक नीचे के और फिलोसफी के कोर में घुसना है, तो मेरा एक दोस्त है उनका चैनल देख सकते हैं, द लिविंग फिलोसफी, इंग्लिश में है, अगर इंग्लिश आपके अच्छे मत्थे घुसती है, द लिविंग फिलोसफी जेम्स कसन करके है, मेरा उनके साथ एक पॉडकास्ट भी है, काफी अच्छी बातचीत है, तो उनका जाके चैनल देख सकते हैं, फ्रेडरिक नीचे को उन्होंने बहुत अच्छे से इनडेप्थ कवर किया है यहाँ, लेकिन हम अपनी शुद्ध देसी हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो ह्यूमन ऑल टू ह्यूमन और डे ब्रेक में इन्होंने क्या किया, इसका साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया विल टू पावर का। विल टू पावर नेचुरल में क्या है भाई, विल टू पावर है एक ऐसी फोर्स जो कि एक अननोन फोर्स है, एक ऐसी फोर्स जो सारी फोर्सेस को पैदा करती है, एक ऐसी फोर्स जो सबके ऊपर काबू करना चाहती है, एक ऐसी फोर्स जिसको तुम नटशेल में, जिसको तुम बेस पे, कोर पे कह सकते हो, वो है ईगो। वो एक ऐसी फोर्स हो सकती है कि किसी के ऊपर तुम दादागिरी करना चाहते हो, एक ऐसी फोर्स हो सकती है जिसको तुम अपने नीचे दबाना चाहते हो एहसान करके उसके ऊपर। कि लोग एहसान क्यों करते हैं, जिससे कि दूसरों को दबा सके। मैंने भाई तेरे ऊपर कर दिया एहसान, अब तुम जो हो हमारे बन गए हो भक्त, अब तू मेरे को कुछ नहीं बोल सकता, मैंने तेरे ऊपर कर दिया एहसान, जिंदगी भर मेरा एहसान लेके अब तू चल, यही है बोझ तेरे ऊपर, यही है मेरी विल टू पावर, यही है मेरी पावर कि मैं तेरे को दबा रहा हूं। ये नटशेल में ये है एक देश में विल टू पावर। तो उसके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स क्या पड़ते हैं, बहुत तगड़े साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स पड़ते हैं। अब जिनके ये जो दो काम थे ह्यूमन ऑन टू ह्यूमन और डे ब्रेक, जिसमें इन्होंने मोरालिटी के बारे में बात करी, यहाँ कोई मेंशन नहीं था स्पेसिफिकली टर्म विल टू पावर का, कोई विल टू पावर टर्म का मेंशनिंग नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बस
इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी। आगे बढ़ते हुए He talks about aspects of human behavior in terms of desire for domination or mastery over others, oneself or the environment. बस इन्होंने बात करी इन कामों में कि भाई एक एक desire for domination, दादागिरी जिसको मैंने बोला, दादागिरी करने की चाह, मास्टरी एक दूसरे के ऊपर, भाई एक इंसान की आइडेंटिटी कैसे डिफाइन होती है, व्हाट इज आइडेंटिटी, अगर डिफाइन करो व्हाट इज एन आइडेंटिटी। अगर मैं तुमसे पूछूं भाई इसकी आइडेंटिटी ये है, ये बहुत बुरा टीचर है, ये मैथ्स का टीचर साला बहुत बुरा है, ये इसकी आइडेंटिटी है, मेरी आइडेंटिटी ये है, उसकी आइडेंटिटी ये है, मेरे दोस्त की आइडेंटिटी ये, क्या है आइडेंटिटी? ये एक तरीके का सेल्फ मास्टरी या मास्टरी ओवर अदर पीपल है। मैं उससे बेहतर हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है कि मैं उससे बेहतर हूँ। एक टीचर की आइडेंटिटी, एक टीचर की आइडेंटिटी है कि उसका कंट्रोल, उसकी पावर एक स्टूडेंट के ऊपर है, और एक प्रिंसिपल की आइडेंटिटी है कि उसकी पावर एक टीचर पे है, और जो फाउंडर होता है सारे स्कूलों के बैचों का, उसकी आइडेंटिटी है कि उसकी पावर है उस प्रिंसिपल में। तो वो हायरार्की डेवलप हो रही है। बच्चों के ऊपर एक टीचर, टीचर के ऊपर एक प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल के ऊपर तुम्हारा फाउंडर, और उसके नीचे सारा वही बच्चे, चीजें रिपीट हो रही है, बाकी बहुत सारा क्लस्टर पूरा हायरार्की, उसी के बारे में बात हो रही है। अब हम आते हैं गे साइंस में। गे साइंस में इसके ऊपर ये अंदर घुसने लग गए और बहुत एक्सप्लिसिटली बात करी इस विल टू पावर के कॉन्सेप्ट के ऊपर, उठा उठा के फेंका है लोगों के मुंह के ऊपर। बात करते करते 10 पोक्सारा थुसरा में उन्होंने वो कॉन्सेप्ट यूज ही कर दिया विल टू पावर। उसके बाद 10 पोक्सारा थुसरा के बाद, ठीक है, या 10 पेक्सारा थुसरा, ये इतना ज्यादा अपने से प्रभावित थे, उन्होंने बोला भाई मैं विल टू पावर किताब रिलीज करूंगा जो खत्म कर देगा पूरी तरीके से ह्यूमन इंटेलेक्ट, वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को फाड़ के रख देगा। ऑटो वॉन बिस्मार्क को भी ये काफी लेटर वगैरह लिखते रहते थे अपनी भाषा में, बट इन दी एंड थोड़ा इनका माइंड तो था ही, डिल्यूजनल प्रॉब्लम्स थी, हेलुसिनेशंस इनको होते थे, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, सिफिलिस था, बहुत कुछ था, वो किताब इन्होंने नहीं लिखी, पूरी नहीं कर पाए, ठीक है, और वो करना भी नहीं चाहते थे क्योंकि वो एक, मैं पहले भी बात करता हूँ, कर चुका हूँ, एक पर्टिकुलर नीश पे जाके जोन इन हो रही थी। अब आगे बढ़ते हैं, एफोरिज्म 13 डे साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। एफोरिज्म क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर जिसने देखे उसको पता होगा, अभी मैं कहता हूँ मेरे सारे लेक्चर देखो, एफोरिज्म क्या होता है, कहाँ हमने एफोरिज्म के बारे में बात करी थी, आर्थर शोफेनहावर के लेक्चर में बात करी थी, याद करो करी थी नहीं करी थी। एफोरिज्म क्या होता है, पिथी ट्रुथ, अ ट्रुथ, डार्क, चुभने वाला, चुभने वाली सच्चाई, पिथी मतलब गंदा, चुभने वाला, रॉ सच्चाई, डार्क पिथी ट्रुथ इज एफोरिज्म। तो इन्होंने गे साइंस में एक थ्योरी दी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ द सेंस ऑफ पावर, जिसमें कह रहे थे हेयर नीचे आर्ग्यूज दैट वी एक्सरसाइज पावर ओवर अदर पीपल बोथ बाय बेनिफिटिंग देम एंड बाय हर्टिंग देम। जो मैंने कहा तुम उनको फायदा करते हो, हक करी तुमने उनकी मदद, लेकिन तुम अपनी पावर दिखा रहे हो कि मैं पावरफुल हूं, मैं तेरी मदद कर रहा हूं। अरे भाई मैं हूं, मैं तेरा भाई खड़ा है, तेरे भाई ने तेरे लिए काम कर दिया, अब तो भाई मेरा गुलाम हो गया, पूरी जिंदगी आसान, या फिर तुम उन्हें हर्ट कर दो। अरे अब जैसे रिसेंटली मेरी यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की जूरी चल रही थी, वो टीचर जबरदस्ती खा मखा मेरे को सुनाई चले जा रहे, सुनाइए ऐसा है ये वैसे, बल्कि जो कमी थी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कमी होती मैं मान लेता, हाँ कहीं कहीं कमी थी, कहीं कहीं वो फालतू चीजें बोल रहा था, क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास मेरे 50 नंबर है उसके हाथ में उस जूरी के। वरना मैं बोलूं भाई तुम हो कौन? मैंने कॉम्पिटिशन देखे, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज करी है, मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर कि मेरे पास और ऑप्शन थे, मैंने वो छोड़ के मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया, मैंने तुमको अपॉर्चुनिटी दी, मैंने तुमको तुम्हारे पैसे दिए। लेकिन भारतीय मेंटेलिटी, हमको यही सिखाया जाता है भाई, नहीं भाई अपने गुरु से बदतमीजी नहीं करनी, अपने शिक्षक से बदतमीजी नहीं करनी, भले ही वो कितनी बदतमीजी कर ले, ठीक है, सोच पर्सपेक्टिव्स बदलो तो बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अब क्यों भाई, क्यों ऐसा होता है कि तब तुम उन्हें हर्ट करते हो तो डेंजरस हो सकता है कभी कभार, जब पावर को तुम हर्ट करने के लिए इस्तेमाल करो, क्यों? वेंजेंस, बताता हूं क्यों। व्हेन वी हर्ट देम वी मेक देम फील आवर पावर इन अ क्रूड वे एंड आल्सो डेंजरस वे, सिंस दे मे सीक
टू रिवेंज जेंसल बैटमैन, जिसने देखे भैया हाथ खड़ा कर लो, यही चाहे बिस्तर पे हो, चाहे मेट्रो में हो, चाहे कहीं हो, बस में हाथ खड़ा कर लो, हल्के से ही कर लो, लेकिन हाँ भैया बैटमैन देखिए क्या है, वेंजेंस, आई एम वेंजेंस, बैटमैन इज वेंजेंस। पावरफुल लोगों ने कोशिश करी बैटमैन के माँ बाप को मरवाने की, जो अभी लेटेस्ट बैटमैन में है, जो भी रीजन है मर गए। अब वो वेंजेंस देने निकला थी, भाई तुमने पावरफुली मारा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। हर बैटमैन में अलग कहानी है, बहस मत करने लग जाना यहाँ पर डीसी वाले का। अब क्या है कि वो वेंजेंस लेगा, बदला लेगा तुमसे, मैं बदले की आग है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हारी लगाऊंगा, वो भी खतरनाक है। नेक्स्ट है, मेकिंग समवन इनडेप्टेड टू अस इज यूजुअली अ प्रेफरेबल वे टू फील अ सेंस ऑफ आवर पावर। इसको समझना, एहसान करना हम पावरफुल फील करते हैं, अरे मैंने भैया तेरे लिए काम किया। वो वी ऑल्सो देर बाय एक्सटेंड आवर पावर सिंस दोज वी बेनिफिट सी द एडवांटेज ऑफ बीइंग ऑन आवर साइड। जिसको हम अपनी पावर यूज करके बेनिफिट करने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अम्ब्रेला के अंडर फॉल करता है। ये तो भाई मेरी सुनेगा, ये तो मेरे अंडर ही रहेगा हमेशा, ये वाली चीज इन्हें नट्स। नेक्स्ट, नीचे इनसाइड टारगेट्स दैट कॉजिंग पेन इज जनरली लेस प्लेजेंट देन शोइंग काइंडनेस एंड इवन सजेस्ट दैट क्रुएल्टी बिकॉज इट इज द इंफीरियर ऑप्शन इज अ साइन दैट वन लैक्स पावर। ये है फ्रेडरिक नीचे की असली सच्चाई, जो उन्होंने अपनी किताबों में लिखी है कि भाई तुम किसी को पेन पहुंचा के अपनी पावर दिखाना चाह रहे हो तो वो कुछ नहीं है, बेकार है, वो इंफीरियर पावर है। और अगर क्रुएल्टी यूज कर रहे हो तो उसको पावर नहीं कहते हैं, उसको कायरता कहते हैं। क्योंकि हिटलर से फ्रेडरिक नीचे को रिलेट किया जाता है, हिटलर जैसे लोग फ्रेडरिक नीचे से इन्फ्लुएंस है। हिटलर के पास विल टू पावर का कॉन्सेप्ट घंटे का भी नहीं था, क्यों? क्योंकि उसने क्रुएल्टी यूज करके ज्यूज को मारा, वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट करी, दैट्स नॉट पावर, दैट्स अटर फूलिशनेस। कंपल करेगा ना थोड़ा। तो ये लेक्चर इतना ही, क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है विल टू पावर का, इसको इतना ही रखता है। बहुत, अब मैं बीच बीच में लेक्चर डालूंगा वापस। मैंने कहा मैंने कोशिश करी इसको फाइनेंशियल तरफ ले जाने की चैनल को, जो कि अगले 2-3 साल में पॉसिबिलिटी नहीं है, और मेरे को अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जरूरत है। तो इस चैनल पे रहेगा कॉन्टेंट, लेकिन उतना विस्तार से नहीं रहेगा। लेट्स सी कैसा रहता है, कैसा जाता है। तब तक के लिए तुम भी काम पे लगो, कर दो, हम भी कर दो। चलो, थैंक यू।